हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोरी सिस्टर्स। सो आज हम आए हैं तिलक नगर टू ट्राई सम फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली। सो कम विद अस। सो फर्स्ट डिश जो हमने ट्राई करी वो है हमारे फेवरेट और दिल्ली के फेमस गोलगप्पे। अगर आप दिल्ली आए और ये ना खाए तो आपकी दिल्ली की ट्रिप अधूरी है। देवर सो टेस्टी और जो पानी था वो भी बहुत चिल्ड था और बहुत फ्लेवरफुल था। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और पानी पूरी हो या गोलगप्पे, वो हम सबके फेवरेट ही होते हैं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताने जाऊँ तो ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने है। और ये हमने एक प्लेट गोलगप्पे लिए हैं जो कि सिर्फ 20 रुपीज के हैं। नेक्स्ट अप वी आर हैविंग गोटी सोडा जो हमने लिया है 20 रुपीज का। गोटी सोडा भी दिल्ली में बहुत फेमस है। ये आपको हर नुक्कड़ पे मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए लोग रिफ्रेशमेंट के लिए इसे पीते हैं। अगर हम आपको इसका टेस्ट बताएं तो मुंबई में जैसे नींबू पानी मिलता है वैसे ही यहाँ पर पानी की जगह सोडा यूज़ किया जाता है। स्ट्रीट फूड जो हम ट्राई कर रहे हैं वो कोई फूड नहीं, हम नॉर्थ इंडियंस का इमोशन है जो है छोले भटूरे। ये जो डिश है वो नॉर्थ इंडिया में ही नहीं अब हर जगह मिल जाएगा एंड आई एम श्योर कि ये आप में से कई लोगों का फेवरेट भी होगा। छोले भटूरे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही डार्क कलर का था, मतलब इसमें बहुत सारे स्पाइसेस और मसाले डाले गए हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि इसका टेस्ट मतलब बहुत ओवरपावर कर दिया था मसालों ने। इसमें गरम मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था और इसमें मतलब एक स्पाइसी किक भी लग रही थी हमें, बट भटूरे के साथ वो भी बैलेंस हो रहा था। और इसी के साथ अगर आप देख सकते हैं हमें मिर्ची का अचार दिया गया था। नॉर्मली तो मैंने नॉर्थ इंडिया में जितनी बार भी अगर ये खाया है तो ये आम के अचार के साथ में सर्व किया जाता है, बट हमें यहाँ मिर्ची के अचार के साथ दिया गया था। एंड इवन द भटूरे वॉज सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफी और इसमें पनीर और कोरिएंडर की फिलिंग भी की थी जिससे भटूरे का टेस्ट और बढ़ गया था। बस एक चीज़ की कमी थी जो कि लस्सी की, अगर वो भी होता तो हमारा पूरा मील बन जाता। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे हमें रैंडमली कलरफुल सी शॉप दिखी जिसका नाम था सेठी आइसक्रीम संडेज एंड मोर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉप में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ थी जैसे कि आइसक्रीम, फालूदा, स्पेशल संडे, फ्रूट क्रीम्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जैसे फ्रूट जूस और मिल्क शेक्स। ये शॉप उन्हीं सारी चीज़ों के लिए फेमस थी। तो जो हमने लिया था वो है फ्रूट क्रीम। ये हमें रीजनेबल ही मिला था, मतलब 60 रुपीज़ का ये एक कप था एंड इट वाज एक्चुअली रियली गुड इन क्वांटिटी बिकॉज ये ऊपर तक पूरा भरा हुआ था जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाले हुए थे जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, अनार और ये ऊपर से इस पर जेली की गार्निश किया गया था। और अगर आप मानो या ना मानो ठंडी में ठंडी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है एंड इट वाज सुपर डिलीशियस एंड बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था। ओवरऑल मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यू शुड आल्सो ट्राई। हमारा
नेक्स्ट डिश है देसी स्ट्रीट स्टाइल बर्गर। जैसे कि हम इस वीडियो में दिल्ली के लोकल फूड कवर कर रहे हैं, तो ये भी आपको दिल्ली में हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये इवनिंग स्नैक्स की तरह है और इसका प्राइस भी काफी रीजनेबल है। एंड इस बर्गर को आप मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग से ना ही कंपेयर करें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इस बर्गर का बन और पैटी दोनों ही ऑयल में फ्राई की जाती है और इसमें डाली जाती है इमली और पुदीने की चटनी और इसमें एक ऑनियन और एक टमाटो का स्लाइस भी होता है। टेस्ट की बात की जाए तो ये ओकेश ही था। वन टाइम एक्सपीरियंस, इट इज नाइस।